परमात्मा की थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं फिर हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है कवारी गाय का दूध पीता और नहीं पीता ये गुण -कुण से भगवान में है जो वेद बताते हैं ये फिर कंसेप्ट हो जाएगा वेद जो बताते ही इज गॉड जो वेदों में वर्णित वह है पूर्ण परमात्मा और वो लीला की किसने वो उनकी लीलाओं से पता लग जाएगा श्री राम को हम भगवान मानना थे वह देख लियो श्री कृष्ण ने मानने थे उनमें देख लियो जय लीला पा जाता है और कबीर साहब की लीलाओं में जो के त्यों विद्वान आपको दिखाएंगे छह सौ वर्ष पहले लिखे हुए और वेदों में आप पढ़ ही रहे हो अब देखना अब सुनाते हैं आपको जब नीमा ने जब नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया पुणात्माओं जिस परमात्मा के लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ा नहीं और शेख फ़रीद जैसे महापुरुष ने कुएं में लटक कर जीर्ण शीर्ण कर लिया शरीर को मालिक को पाने के लिए गोपीचंद और भरतरी जैसों ने राज त्याग दिया भगवान को पाने के लिए और वो परमात्मा एक सहज स्वभाव से और उस पुण्य आत्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में अब आत्मा बर्फ़ के डले पर बर्फ की डली पर सिल्ली पर स्वाभाविक हाथ टिक जावे, तो भी उसका स्वभाव है ठंड करने का और आसपास रखी हो तो भी उसकी उससे एक ठंड की लहर निकलती है तो यह सुखदाई परमात्मा है जब आत्मा के निकट आ जाता है उसके पाप दूर भाग जाते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं बंधन कटे कल्प कबीरे भवन चतुर्दश लोक सब भाई टूटे जम जंजीरे अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ आए? सो तो एक कबीर है जननी जन नमाए सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु हु बार बार बली जाही जलथल पृथ्वी गगन में जलथल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख सेवक होके ऊतरे इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाए अपने आत्माओं हमने भगवान सुना था पर उसके गुणों से परिचित भी थे लेकिन ये देखा नहीं था सुना कहीं कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है आप कितना कष्ट उठाता है जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है शराब पीता है सुल्फा पीता है या कोई और चोरी ठगी करता है बकवादों में बढ़ गया है वो मात पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिर आकर कभी इसको सो दिया जा अगर हमारे पास लौट आवे बुराई छोड़ दे तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं तो हम बिगड़ गए और बिगड़ के इस काल के साथ आगे इसने हमारे साथ यहां हमारे को दोना बुरे कामा पा दिया अब पिताजी आते हैं वहां से हमारे दुख को देख कर किसी प्रकार ये मुझे पहचान लें और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूँ जिस फिर ये वहां चल पड़े सारे अब सारे ब्रह्मंडों का रचनहार और यहां एक एक जोफड़ी माँ का बैठ गया और कपड़ा बुनाए कहते सो सल सीधर मैं करूं अपने जन के काज और सारे ब्रह्मंडो का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे काशी की कुटिया से अब क्या बताते हैं गरीबदास साहेब जी सेवक होकर उतरे एक दास बन आए इस पृथ्वी के मां और किस लिए जीव उदाहरण जगत गुरु जीवों का उद्धार करने के लिए जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए सबके ज्ञानदाता यानी जगत गुरु सबको सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा एक दास बन के सेवक बन कर जुल्हा बन के अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया कबीर दास कबीर दास और ये हमारे लिए वाइडा आंडी पाके पार नहीं पड़ा या तो दास बनोगे नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा ये नियम है मेरा जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति रावण ने भक्ति की यहां से काट के चढ़ा दिया किया वैसा मिल गया लेकिन आदिनी ना आई कहते हैं बिन आधीनी के कहते हैं आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्मदयाल मान बढ़ाई मारियो बेअदमी सिर काल फिर कहते हैं विभीक्षण का भाग बडेरा दासन आया नेरा दासन आया बसवे बीसा ताको लंक दी बक्सीसा सा तो उसने जैसे विभीक्षण के अंदर दास भाव था वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था रावण में एक अहंकार था उसमें दास भाव नहीं था उसका सर्वनाश होया तो यहाँ ये यह शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा मुझे बुलाने के लिए मुझसे लाभ लेने के लिए यहाँ पर अहंकार नहीं चलेगा कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे कोई दाणक कह कोई ढेढ़ कह कोई दुलाह कह कोई बुंडा कह कोई गुंडा कहे लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे आप जी ने भी ऐसे ही करना है कहते हैं मान अपमान करो क्यों ना कोई मम संत शरण और जगत जान छोई जब आप कबीर साहब कहते मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आप का चाहे कोई अपमान करें यानी समाज वाले संसार वाले और चाहे आपका आदर करें उनकी तरफ नहीं देखना आपने अपना उद्देश्य याद रखना तो यहां कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बली जा बालक बनका आगे फिर क्या कहते हैं काशी पूरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे मोमिन को मुजरा हुआ हुआ जंगल में दीदारे मोमिन मुसलमान दुलाहे को जंगल में मिले परमात्मा और कैसा रूप था उस मालिक का शिशु का किरण शशि भान सु आसन अदर विमान वहां सतलोक में तो परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य क्रोड़, क्रोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा रूप है लेकिन यहाँ हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आए हुए थे कोट किरण शशि भान शशि माने चंद्रमा भानु माने सूर्य करोड़ कोटि कोटिकरण शशि भाने सुधी आसन अदर विमान ऊपर तो मालिक का ऐसा शरीर है और नीचे ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा को सीने से लगा रखा था छू रखा था उसने नीमा ने कहते उसकी कति आनंद काया होगी थी शीतल प्रण पिंड और प्राण गोद लिया मुख चूम करे हेम रूप झलकन्ते जगर मगर काया करे दम पदम अनंत गोद लिया मुख चूम कह बालक का उस परमात्मा का गोदी में ले कर सीने से लगावे मुख चुम और शुक्र मनावे हेम रूप झलकन्ते हेम माने बर्फ कैसी सफेद सफेद थरी था का बर्फ जैसा जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद तो उसको कहते थे दुकानदार को भाई सफेद देना स्नो वाइट हो स्नो वाइट यानी बर्फ के साथ सफेद तो वह यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि हेम यानी हेम रूप जलकंत उनका शरीर रूप बर्फ जितना सफेद था स्नो वाइट था और जगर मगर काया करे जन उदम पदम अनंत ऐसे शरीर से नूर निकल रहा था परमात्मा की हो रही थी उस समय फिर अपना सेट कर लिया काशी उमटी घर घेरे कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर नीरू कहने लगे अपनी पत्नी से कि तू इसने यही रख दे हम साथ नहीं ले जाएंगे पहले हम हिंदू थे हमें मुसलमान बना दिया हिंदुओं से परिचय रहा नहीं लिंक रहा नहीं मुसलमानों से इतना संबंध हमारा है नहीं हमारा कोई नहीं इस नगरी में लो, लोग पूछेंगे जनता पूछेगी कहाँ से लाए हम कहेंगे कमल के फूल से और वो हमें प्रताड़ित करेंगे, करेंगे कहेंगे तुम झूठ बोलते हो कमल के फूल पर कभी बालक रुक सकता है और वहां कहाँ से आ गया इतने गहरे पानी में मां कैसे छोड़ आ इसको झूठ बोलते हो ये है रो। और हमें देश निकाला दे देंगे बच्चा भी छीन लेंगे नीमा तो इसको रख दे नीमा बोली मैं नहीं रख सकती इस बच्चे ने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे मैं मर जाऊंगी प्राण त्याग सकती हूं पर इसको नहीं छोड़ूंगी अब नीरू ने सोचा कि यह कति अंधी होगी आगा पीछा नहीं देखती और इसको मैंने घना प्यार दे दिया क्योंकि संतान ना होने से मैं इसकी सब बातें मानता रहा ये अनाड़ी बन गई और ये आने वाले संकट से परिचित नहीं है इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा पहली बार हाथ किया अपनी पत्नी की ओर उसने या रख दे इस बच्चे को यहाँ पर उसी समय परमात्मा बोले कि नीरू मैं तुम्हारे लिए आया हूँ ले चलो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें अब उनने सोचा बालक बोल पड़ा कि बेरा इसमें फरिश्ता हो कोई यू कोई देवता आ गया हो चुप या कोई भूत प्रेत हो डर गया आगे आगे हो लिया चुप करके घर पर आगे घर आकर देखा इतना सुंदर बालक कि तो देखा ना सुना यहाँ तक लिखा गरीबदास जी ने कि गीत गा गाती आओं थी औरतें टोल के टोल झुंड के झुंड लड़के को देखने के लिए हर भूल गई नू तो पता लग गया वहां से मिल गया पर विरोध नहीं करा मालिक को कहते सतगुरु दो चाह वैसा कर ही अब वहाँ कहते जो भी देखे वो ही अपने अपने हिसाब से परमात्मा ने आक कहे जैसे कहा करना कोई बच्चा पैदा हो जाता तो नू क्या करेंगे इसके मामा पर शकल जा है इसकी दूसरी नह की ना इसके काका तो मिल रहा है कोई भाई तो बतावेगी कोई किसे थे तो इसी प्रकार अपनी अपने आइडिया देने लगे काशी के व्यक्ति उसके विषय में गरीबदास साहेब जी क्या बताते हैं काशी उमटी गुल भया शोर गुल हो गया सारे नगर में मोमन का घर घेरे कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है कोई कहे कुबेरे परमात्मा उस बालक को कहते कोई थे ब्रह्मा का रूप है कोई कहता विष्णु का जो का जो जागता रूप है कोई कह शिव जी जैसा सुंदर है और कोई कह इंद्र का रूप है कोई कह कुबेर धन का देवता आ गया यो तो दिख है कोई कहे वर्ण धर्म राय है कोई कहते है, को है से सोला कला सुभान गति कोई कहे जगदीशे भक्ति मुक्ति ले उतरे भक्ति मुक्ति लेकर उतरे और मिटन पे, एक मोमन कबीरा बाप परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए मालिक यहां पर उतरे और मिटन तीनों ताप हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए थे और एक मुसलमान जुलाहे के घर पर डेरा लिया उसको बाप कहे भगवान अपने आत्माओं कलेजा मुंह को आता है दास का जब परमात्मा की ये सच्ची थी सामने घूमती है हम कितने दुष्ट हैं कितने नीच हैं हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर काल के जाल में जानबूझकर फंसे पड़े हैं वो हमारा पिता है हमारे लिए भटक रहा है यु काल कभी भी ना आता हमने संभाल को मरोते जियो ठीक किसी का आँख फूटोते किसी की बेटी मरोते बेटा मरो क्योंकि ये हमारा नहीं है हमारा तो कबीर साहब है और वो हमारे वो हमारे पीछे भटक रहा है इस काल ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट करा दी अज्ञान से कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकता अरे और इन औरों को जिनको हम भगवान मान रहे वो किसने बनाया भाई कहीं तो इतिहास दिखा दो उनका कि तब तो वो भगवान की संज्ञा में हो